Hello viewers, this is Wahid Ilyaswani here. Welcome to Factual Maths. You know that we are left with one exercise of the chapter Factorization of 8th Maths. And its question number 1 says, find and correct the errors in the following mathematical statements. Here you are given with some mathematical statements. It means some algebraic expressions. एंड यू नीड टू फाइंड आउट द एरर्स एंड करेक्ट दीज एरर्स. आपने क्या करना है, यहाँ पे गलतियां फाइंड करनी है, उसके बाद आपने उन गलतियों को दुरुस्त भी करना है. इट मीन्स ये एक ऑनर की बात है. मैथ्स की बुक आपसे कह रही है कि मेरे लिखे हुए में आप गलतियां निकालिएगा. यानी अभी आपको एजाज बख्शा गया है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, मैथ्स में एरर्स निकालने हैं, गलतियां निकालनी. लेकिन उस एजाज के साथ साथ ये चीज कही गई है कि अगर आपको ये एजाज दिया गया है कि आपको ये अथॉरिटी दी गई है कि आप गलतियां निकालो, लेकिन उन गलतियों को फिर आपने दुरुस्त भी करना है. काफी अच्छी बात है. सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 4 × x - 5. क्या है आपका पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का, 4 × x - 5 इज इक्वल टू 4x - 5. 4 × x - 5 = 4x - 5. ओके, ये चीज आपके पास दी हुई है. हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज को इनकरेक्ट लिख देंगे, बिकॉज इट इज इनकरेक्ट. ये है आपका इनकरेक्ट, सो इनकरेक्ट लिखेंगे. अब आप अगर आपने लिखा इसको इनकरेक्ट लिखा, लेकिन यू नीड टू करेक्ट इट. आपको इसको क्या करना है, करेक्ट भी करना है. चलिए जी, करेक्ट फॉर्म में क्या होगा, चलिए जी करें जरा. 4 × x - 5 is equal to क्या हो जाएगा आपका. देखिए अभी आप पढ़ के आए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी एंड फैक्टराइजेशन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है आपका. 4 को आपने x से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 4x माइनस 4 को 5 से यू विल गेट 20. दिस इज योर करेक्ट फॉर्म. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1. इस तरीके से यानी आपने एरर्स फाइंड करने, उनको फिर आपने करेक्ट भी करना है. इसी तरीके से चलिए जरा 8वें पार्ट की ओर. 8वां पार्ट क्या कहता है, 2x का स्क्वायर है दिया हुआ एंड साथ में दिया है प्लस 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये 9x है. ओके, अब देखिए ये चीज दी है ना, तो इसको भी आप लिखेंगे इनकरेक्ट. ये ऑलरेडी इनकरेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट अगर आपने लिखा, आप जानते हैं इसको हमने करेक्ट भी करना है. चलिए जी करेक्ट फॉर्म, इसकी करेक्ट फॉर्म क्या आएगी. पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है 2x का स्क्वायर है आपके पास प्लस है 5x इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 2x का स्क्वायर प्लस 5x. अब देखिए ये क्या होगा, 2 पे भी स्क्वायर है एंड x पे भी स्क्वायर है. 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होता है, x का स्क्वायर ही प्लस 5x. अब देखिए अगर आपको लाइक टर्म्स याद हो, अनलाइक टर्म्स आपको मैंने पढ़ाया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इंट्रोडक्शन में ही लाइक एंड अनलाइक का क्लियरेंस किया था मैंने, ठीक है ना. अभी देखिए 4x का स्क्वायर बन रहा है एंड ये प्लस 5x, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए ये ऐड नहीं होगा, ये आपका करेक्ट फॉर्म आ जाएगा. यहां से आगे ऐड नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है, ये ऐड नहीं हो सकते हैं. चलिए एक और पार्ट देखते हैं हम जरा. अब देखिएगा एक और पार्ट इसी का, आप देखो जरा 7वां पार्ट. 7th पार्ट क्या कहता है आपका, 2x का स्क्वायर है आपके पास प्लस 4 × x प्लस 4 × 2x प्लस 7, ये आपका दिया हुआ है. बराबर दिया है कितना आपके पास, ये दिया है 2x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7. इसको आप लिखेंगे इनकरेक्ट, ये भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है. लेकिन अब करेक्ट क्या होगा, चलिए जी इसकी करेक्ट फॉर्म क्या बनेगी, करेक्ट फॉर्म क्या बनेगी आपके पास, जरा क्वेश्चन लिखते हैं. क्या है आपका क्वेश्चन, 2x का स्क्वायर है आपका प्लस 4 × 2x है आपका प्लस 7 है. चलिए जी ये क्या होता है, 2x का स्क्वायर जानते हैं आपका, ये हो जाता है 4x का स्क्वायर एंड ये हो जाता 4 × 2 = 8x प्लस 7. अब देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ 2x स्क्वायर दिया था, यहाँ आपका क्या आता क्या है, ये एक्चुअल में आ जाता है 4x का स्क्वायर. सो दिस इज योर करेक्ट फॉर्म, ये है आपकी करेक्ट फॉर्म. इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं, यानी 1 to 9 आपके पास सेम है, बिल्कुल सेम. आपने एरर्स फाइंड 1 to 9 नहीं, ऑलमोस्ट ये पूरा नीचे तक है. अब
अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास तीन पार्ट दिए हुए हैं, उन तीन में से मैं एक पार्ट करता हूँ, उसमें भी आप मैंने एरर ही फाइंड करना है, फिर आप फिर उसको करेक्ट भी करना है। ओके, इसमें 20-25 पार्ट दिए हुए हैं आपके पास, हाँ 21 पार्ट दिए हैं टोटल। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 का, 10 के दो पार्ट दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट लेता हूँ मैं जरा, ठीक है ना। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, हाँ ये मैं पहले ही बोलूँ, ये जो क्वेश्चन कर रहा था मैं, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं था, जनरली क्वेश्चन नहीं दिया है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर, ये जो पार्ट कर रहा था मैंने, पार्ट किया मैंने 7 किया 8 किया, ये क्वेश्चन ही है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8, इसीलिए मैं डायरेक्ट पहुंच गया क्वेश्चन नंबर 10 पे आपके पास। एंड 10 का पहला पार्ट है आपके पास x² + 5x + 4 क्या देता है आपका, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4। ये चीज है आपके पास, इज इक्वल टू है 9 माइनस 15 प्लस 4 बराबर है टोटल कितना, -2। अब चले जी, इसको पहले देखना है आपने क्या ये इनकरेक्ट है या नहीं है, ठीक है ना। एक्स की जगह पुट कहा है इसने, पुट एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 3, एक्स की जगह आपने -3 पुट करना है, जरा किया -3 हो जाएगा आपका 9, 5 3 जार आपका हो गया -15, एड 4 नौ 4 13, 13 में से 15 के बाकी -2, इट इज ऑलरेडी करेक्ट। इसको आप लिख देंगे, इट इज ऑलरेडी करेक्ट। बस यहाँ आपने कोई एरर फाइंड नहीं किया, क्योंकि इसमें एरर है ही नहीं, तो हम कहाँ से एरर फाइंड करेंगे, इट इज ऑलरेडी करेक्ट लिख देंगे आप। ये ऑलरेडी करेक्ट है तो यहाँ आपके पास कोई गलती का ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ गलत है, आप ठीक कैसे करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ठीक ही है। ओके, इस तरीके से इसके ये तीन पार्ट दिए हुए हैं। आता हूं मैं अब क्वेश्चन नंबर 10 के तीन पार्ट है, इसमें वैल्यू पुट करनी थी आपने। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, सॉरी 11 की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 करता हूं मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये दिया है y माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है आपके पास किसके बराबर, y² - 9। हाँ देखिए, ये है आपका इनकरेक्ट, ये आपका लग रहा है एंड ये है आपका इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि y माइनस थ्री का होल स्क्वायर यहाँ आइडेंटिटी एप्लीकेबल थी, लेकिन इसने आइडेंटिटी का उपयोग नहीं किया हुआ है, तो हम इसलिए इसको लिखेंगे इनकरेक्ट। अब इसकी करेक्ट फॉर्म क्या बनेगी, हमने इसको करेक्ट फॉर्म बनाना, मैं कन्वर्ट करना इसकी करेक्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम वही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए पहले क्वेश्चन, y माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका ए स्क्वायर, यही करेंगे नीचे के लिए, ए स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए कितना आपका y एंड b कितना आपका 3, प्लस होता है आपका b का स्क्वायर। ओके, ये बनता है y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, दिस इज योर करेक्ट फॉर्म। इस तरीके से हो जाता है आपका 11th पार्ट। ओके, अब आते हैं जरा 14th पार्ट क्या कहता है आपका। 14th पार्ट कहता है आपका a प्लस 4 इंटू a प्लस 2 बराबर है आपका किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया है a स्क्वायर प्लस 8। ओके, जरा चेक करते हैं, लेकिन ये इनकरेक्ट होगा, ये आपका इनकरेक्ट है। अब आपने इसको करेक्ट करना है। ओके, लेकिन करेक्ट कैसे होगा, आप पढ़ के आए, आपने मल्टीप्लाइंग द बाइनोमियल्स पढ़ा, वही फॉर्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, या x + a x + b भी यहाँ एप्लीकेबल है, चाहे तो वही करें, चाहे तो मल्टीप्लाइंग द बाइनोमियल्स लगाएं, डिपेंड्स ऑन यू व्हिच वन आइडेंटिटी वुड यू लाइक टू यूज, यू वुड लाइक टू यूज कौन सी आइडेंटिटी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं, क्योंकि यह मल्टीप्लाइंग द बाइनोमियल्स भी एप्लीकेबल है, एंड विद दैट साइमल्टेनियसली यहाँ पे दूसरी आइडिया यानी x + a x + b भी एप्लीकेबल है। अब आपकी मर्जी है, जो लगाना चाहे वो करें, मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाइंग द बाइनोमियल्स, ए आपका एज इट इज रहेगा, अंदर बचेगा a + 2। ओके, यहाँ से फिर 4 की बारी है एंड अंदर रहेगा a + 2। अगर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन याद हो, बराबर हमने पहली टू, क्योंकि दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना, a एज इट इज रखा, इधर से अंदर दो, इस 4 को एज इट इज रखा, अंदर से फिर से वो दो, a मल्टीप्लाई a हो गया a का स्क्वायर, a मल्टीप्लाई 2 होता है आपका 2a एंड 4 मल्टीप्लाई a होता है आपका 4a, 4 2 हो गया आपका 8। चले जी, यहाँ लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स ये दो हैं, 2a + 4a ये आपके हो जाएंगे एड, आपका रहेगा 2 4a² + 6a
प्लस एट इज योर करेक्ट फॉर्म। इस तरीके से आपके करेक्ट फॉर्म, यहाँ देखिए क्या दिया था, ए स्क्वायर प्लस एट, लेकिन आ क्या रहा आपका, ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए प्लस एट, ये आ रहा आपका। अब चलिए एक एक दो पार्ट और ट्राई करते हैं हम। अब हम कर रहे हैं इसमें पार्ट नंबर करेंगे हम 17। जरा आप पार्ट नंबर 17 देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 17 ही है, पार्ट नंबर 17 बोले या क्वेश्चन नंबर 17 बोले। 3x² + 1 3x² + 1 / 3x² ओके इज इक्वल टू दिया है 1 + 1 = 1 + 1 + 1 = 2। ये आपका इनकरेक्ट है, क्या है ये इनकरेक्ट, ये गलत है। अब आपको इसने करेक्ट, इसको करेक्ट फॉर्म में लाना है। चलिए जी, करेक्ट फॉर्म, इसकी करेक्ट फॉर्म क्या बनेगी देखिए, जरा हम अलग कर लेते हैं इसको। लिखें क्वेश्चन 3x² + 1 / 3x² हम ऐसा करते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर है ना, दोनों का है, इसका भी है एंड इस 3x² का भी है एंड 1 का भी है। हम लिखेंगे 3x² / 1 / 3x². अब देखिए यहाँ कैंसिल क्या होगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 3x² कैंसिल, बचेगा 1 + 1 / 3x². दिस इज योर आंसर, ये हो गया आपका करेक्ट फॉर्म। लेकिन ऊपर गलत दिया था, वहां 1 + 1 = 2 बना दिया था, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये हम अब देखिए, हम मैथ्स की गलतियां निकाल रहे हैं और उनको हम ठीक भी कर रहे हैं ओके। अब इसके बाद आप देखिए पार्ट नंबर जरा 20, काफी सिमिलर पार्ट है ये सारे के सारे, इसमें 20-21 क्वेश्चन और वो सारे के सारे सिमिलर है। 4x + 5 / दिया है 4x, ये भी सेम है, 4x = 5। देखिए ये भी आपका इनकरेक्ट ही है, इनकरेक्ट ठीक है ना। अब इसकी करेक्ट क्या, इसकी करेक्ट फॉर्म क्या बनती है, करेक्ट फॉर्म क्या बनेगी लिखिएगा जरा, 4x + 5 / 4x होगा इज इक्वल टू, सामने की तरफ कर रहा हूं आगे की तरफ, आप देखिए 4x को एज इट इज लिखिएगा / 4x, लेकिन + 5 / 4x, जैसे यहाँ किया आपने, डिनोमिनेटर्स को अलग कर दिया, 4x को अपना दे दिया एंड 5 को अपना दे दिया, ये कैंसिल, आपका आंसर क्या आ रहा है 1 + 5 / 4x, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये हो गया आपका करेक्ट। अब ये x यहाँ लिखे बात एक ही है, ये हो गई आपके पास करेक्ट फॉर्म। अब हम कर रहे हैं एक और पार्ट, अब करेंगे सिर्फ एक और पार्ट, उसके बाद बाकी जो पार्ट्स बच रहे हैं उनको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अब हमारे पास हम लेते हैं इसका 19th पार्ट, एंड इसका 19th पार्ट आपका कहता है 3 / 4x + 3 इज इक्वल टू क्या है आपका 1 / 4x, 1 / 4x। देखिए जी ये इनकरेक्ट ही है फिलहाल, ये आपका इनकरेक्ट है, लेकिन इसका करेक्ट क्या होगा जरा देखते हैं हम, इसका करेक्ट फॉर्म क्या बनेगा। करेक्ट फॉर्म में पहले आप क्वेश्चन लिखिए 3 / 4x + 3। देखिए अगर ऐसा होता, यानी ऊपर से बाइनोमियल होता नीचे से मोनोमियल होता, फिर हम कर लेते इसका डिनोमिनेटर अलग, लेकिन अभी इसका कुछ भी अलग, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 / 4x + 3 / 3, ऐसा इस चीज को बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। अगर होगा ये ऐसे 3 + 1 = 4, 3 = 3, 4, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आप बिल्कुल भी इस चीज को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर बाइनोमियल होता तो ठीक है, लेकिन अब देखिए ये हो गया आपका, यही बनती है इसकी करेक्ट फॉर्म। यहाँ से आगे इसको कोई भी, आप इसको कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ से आगे ये सॉल्व नहीं होगा। हाँ फिर कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद अगर आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर से 3 है नीचे से 4x + 1 * 3 होगा, लेकिन यहाँ देना पड़ेगा आपको 3 है ना, फिर 3 और 3 कैंसिल, लेकिन आप पहुंचे कहाँ, फिर से वहीं पहुंचेंगे, इसलिए यहाँ से आगे इसको नहीं सॉल्व करना। इस चीज में आपको उलझाऊंगा नहीं, आप डायरेक्ट लिख दें आपका यही रहेगा, यहाँ से आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। ये हो गई इसकी करेक्ट फॉर्म, इस तरीके से हो गया आपका द एंड ऑफ चैप्टर फैक्टराइजेशन। चैप्टर फैक्टराइजेशन आपका कंप्लीट हो गया, आई होप आपको ये मुकम्मल समझ आ गया होगा, एंड अब आप इस काबिल हैं, यू आर एनेबल एंड यू आर आई वुड से कैपेबल एनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एनी काइंड
which belongs to the chapter factorization. आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आप उसके आसानी से फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं either by applying क्या कहते हैं identities or by any other method. आप आसानी से उनको find कर सकते हैं. So ये थी आपके लिए आज की exercise and this makes the completion of exercise. Not only exercise, with that it makes the completion of chapter number 13 and you are now left with two chapters. One is introduction to graph and another one is playing with numbers. I hope उनको भी हम जल्दी कवर अप कर लेंगे. एग्जाम शुरू होने से पहले ही हम उनको भी कवर अप कर लेंगे. एंड अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन माई वीडियोज. एंड विद दैट आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा और खास करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. ठीक है, थैंक यू.